अक्सर आप फिल्मों में भूतों की कहानियां देखते आए होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि देश में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें भूतिया माना जाता है और अक्सर लोग इन स्टेशनों में यात्रा करने से बचते हैं। आइए जानते हैं देश के कुछ खतरनाक भूतिया रेलवे स्टेशन और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों के बारे में। नंबर 5 पर है नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी रेलवे स्टेशन को प्रेतों का स्टेशन माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि नैनी जेल में अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहाँ आज भी आती हैं। हालांकि अभी तक इस स्टेशन पर ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है, लेकिन नैनी जेल के पास ही स्थित होने के कारण लोगों ने इस स्टेशन के बारे में एक धारणा बना रखी है। नंबर 4 पर है मुलुंद रेलवे स्टेशन, मुंबई। मुंबई के मुलुंद स्टेशन के बारे में भी यात्रियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें यहां रात में किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दावा है कि यहां उन लोगों की आत्माएं हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हादसे का शिकार हो गए थे। नंबर 3 पर है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चित्तूर के लोगों में इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक अलग ही दहशत है, जिसके कारण लोग यहां शाम से ही आना बंद कर देते हैं। कई कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से केरल जा रही ट्रेन में आरपीएफ की टीम ने सीआरपीएफ अधिकारी हरी सिंह को इतना मारा कि वो मर गए और उन्हीं की आत्मा इंसाफ की तलाश में यहाँ आज भी घूमती है। नंबर 2 पर है बरोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला के निकट स्थित बरोग रेलवे स्टेशन भी भूतिया या कुछ डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रेलवे स्टेशन पर सुरंग नंबर 33 को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर बरोग को दी गई थी, लेकिन परियोजना शुरू होने के बाद पता चला कि लंबाई का अनुमान गलत है और फिर परियोजना विफल हो गई। सरकार ने बरोग पर फटकार और जुर्माना लगाया, जिसे बरोग सहन नहीं कर पाया और एक दिन उसने बरोग स्टेशन की सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। तब से इस रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है और लोग अक्सर इस सुरंग के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं। नंबर 1 पर है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल। बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन को वर्षों से लोग भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यह देश का सबसे डरावना और भूतिया रेलवे स्टेशन है। आसपास के लोगों के अनुसार उन्होंने कुछ ट्रेनों के स्टेशन पर आने के दौरान सफेद साड़ी पहने कुछ महिलाओं को नियमित रूप से रात में यहां देखा है। ऐसा माना जाता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान इन महिलाओं की बेगुन कोडोर स्टेशन पर मौत हो गई थी और इसीलिए वे आधी रात को दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इस स्टेशन के आसपास इतना खौफ है कि इसे भारत का भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इसी कारण यहां से ट्रेन गुजरती थी लेकिन रुकती नहीं थी, जिसके कारण ये स्टेशन लगभग 42 सालों तक बंद रहा और इसे साल 2009 में दोबारा खोला गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।